गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन. ओके, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, द चैप्टर नंबर 3. इन चैप्टर नंबर 3 वी विल रीड अबाउट प्लांट्स गिव्स अस फूड. द चैप्टर नेम इज प्लांट्स गिव्स अस फूड. इसका मतलब है कि पौधा जो है, ठीक है, पेड़ जो है वो हमें भोजन देता है. तो कैसे देता है, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले प्लांट्स गिव्स अस फूड का मतलब होता क्या है. ये हमने बता दिया कि पेड़ जो है सो हमें खाना देता है या प्रदान करता है, ठीक है. प्लांट्स गिव्स अस फूड, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, तो हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग पेड़ पौधा से जो हम लोग वेजिटेबल्स हो या फिर फ्रूट्स हो या फिर स्पाइस हो, मतलब मसाला हो, ये हम लोग लेते हैं. हम लोग जो सो आमतौर पे प्लांट से ये सारा चीज़ आता है, जैसे कि फल हो गया, सब्जी हो गया, अनाज हो गया, जैसे कि दाल हो गया या कुछ भी, इसे भी कि क्या चीज़ से हम लोग पाते हैं, तो हम ये प्लांट से ही हर कुछ आता है. तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है We get food from different part of plants. हम लोग जो भोजन है, ठीक है, वो हम लोग प्लांट्स के, मतलब पेड़ के, बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग अलग अलग पार्ट से लेते हैं, ठीक है. We get food from different parts of plant. अलग अलग पार्ट से हम लोग को फूड मिलता है. Plants gives us fruit, vegetables, cereals and fruits. इसका मतलब है पेड़ जो है हमें फ्रूट मतलब फल, वेजिटेबल्स मतलब सब्जी, सेरल्स का मतलब होता है अनाज, और पल्सेज मतलब दाल. तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को जो ये सारी चीज़ आती है वो कहाँ से आती है, तो हम लोग प्लांट से ही आती है, ठीक है. हम लोग कहाँ से पाते हैं, तो प्लांट से आ पाते हैं. वी ऑल्सो गेट टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड शुगर एंड ऑयल फ्रॉम देम. और साथ ही साथ हम लोग टी, मतलब जो हम लोग चाय होता है, चाय पत्ती जिसको बोलते हैं, उसके बाद कॉफ़ी, हम लोग कॉफ़ी भी पीते हैं, तो कॉफ़ी जो है हम लोग कहाँ से आता है, तो ये प्लांट से ही आता है. स्पाइसेस मतलब मसाला, वो भी कहाँ से आता है, तो प्लांट से ही आता है. शुगर मतलब चीनी, ये भी कहाँ से आता है, तो प्लांट से ही आता है. आगे है ऑयल मतलब तेल, हम लोग तेल जो यूज़ करते हैं वो भी कहाँ से आता है, प्लांट से आता है. तो स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा कि हम लोग प्लांट से क्या क्या चीज़ पाते हैं. तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि हम लोग बहुत तरह से और बहुत तरीके की चीज़ हम लोग प्लांट से पाते हैं, ठीक है, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, सेरल्स हैं, पल्सेज. आगे है टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, शुगर एंड ऑयल, ये सारी चीज़ कहाँ से आती है, तो प्लांट से आती है, ठीक है. अब आगे हम लोग पढ़ते हैं फ्रूट. फ्रूट का मतलब होता है फल, ठीक है. फ्रूट में देखते हैं क्या इसका मतलब, डिफिनेशन क्या है और इसे क्या कहते हैं, क्या इसका मीनिंग है, ये हम लोग पढ़ते हैं. फ्रूट मतलब फल होता है. द जूसी एंड फ्लेशी पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड अ फ्रूट. इसका मतलब है कि जूसी मतलब जिसमें रस हो, और साथ ही साथ फ्लेशी मतलब गुद्देदार, ठीक है. पार्ट ऑफ प्लांट, जो उसका पार्ट है प्लांट का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं, ठीक है. इसमें जैसे कि पपाया, हम लोग पपीता खाते हैं, तो वो क्या है कि प्लांट का ही पार्ट है, लेकिन उसमें क्या होता है कि गुद्दा होता है, साथ ही साथ रस होता है. इसमें एप्पल, एप्पल में भी क्या होता है, गुद्दा होता है, ग्रेप्स मतलब रस होता है. तो इस चीज़ को, ये सब क्या चीज़ में आता है, ये सारी चीज़ जो है वो फ्रूट्स में ही आती है, ठीक है. और भी बहुत कुछ है फ्रूट्स में, हम लोग और भी बहुत कुछ ले सकते हैं, जैसे कि पपाया है, एप्पल है, ग्रेप्स है, बनाना है, ये सारी चीज़ क्या है, तो फ्रूट्स है. यहाँ पे साफ लिखा हुआ जूसी एंड फ्रेशी पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, जो कि जूसी मतलब रस जिसमें हो, और साथ ही साथ गुद्देदार हो, जिसमें गुद्दा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं. किसका पार्ट है, तो प्लांट का पार्ट है. आगे है वी ऑल्सो गेट नट फ्रॉम प्लांट्स. हम लोग नट का मतलब होता है कि जो मूंगफली होता है, ठीक है, जो दाना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नट कहते हैं. तो ये कहाँ से आता है, प्लांट से आता है, ठीक है. दे आर ड्राई फ्रूट्स, ये सभी क्या है कि सूखे फल है, ठीक है. विथ अ हार्ड सेल, हार्ड सेल का मतलब होता है कि जिसका छिलका जो है वो काफ़ी मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड सेल. वी रिमूव द सेल एंड ईट द नट्स. इसका मतलब है कि हम लोग पहले उस छिलके को हटाते हैं, फिर हम लोग उस बादाम को
खाते हैं, जैसे कि है वॉलनट मतलब अखरोट जैसे हो गया, आलमंड, उसके बाद ग्राउंडनट, ये सभी चीज़ क्या है, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली हो गया, आलमंड सब लोग जानते हैं, और वॉलनट मतलब अखरोट, ये सभी चीज़ क्या है कि इसके ऊपर की जो छिलका होती है, ठीक है, वो काफ़ी मोटी होती है, काफ़ी हार्ड होती है, और ये क्या है किस चीज़ में हम उसको काउंट करते हैं, तो ग्राउंड, ये हम लोग इसको ड्राई फ्रूट्स में काउंट करते हैं, ठीक है, ये सभी क्या है कि सूखा फल है। अब हम आगे हम लोग देखते हैं वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब्जी, इसका मतलब है ए पार्ट ए प्लांट और पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट वी ईट, इसका मतलब है कि या तो पार्ट ऑफ प्लांट मतलब जो पेड़ होता है उसका अगर कोई पार्ट हम लोग खाते हैं उसमें जो फल होता है या सब्जी होता है, ठीक है, या फिर ए प्लांट और पार्ट ऑफ प्लांट दैट वी ईट, हम लोग उस पार्ट को खाते हैं, ठीक है, उस पार्ट ऑफ प्लांट को हम लोग खाते हैं, ठीक है, जो पेड़ होता है उसका कोई ना कोई पार्ट होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि स्टीम हो गया, उसके बाद जैसे कि हमने दिख रखा है यहाँ पे रूट्स है, लीव्स है, फ्लावर है एंड फ्रूट्स है, ये सभी क्या है कि पार्ट है प्लांट की, ठीक है, जैसे कि कुछ फल ऐसी होती है जो कि हम लोग रूट से मिलता है, कुछ फल ऐसे होते हैं जो कि स्टीम से मिलता है, कुछ सब्जी ऐसी है जो हम लोग लीव्स से लेते हैं, कुछ सब्जी ऐसे हैं जो फ्लावर से आता है, कुछ सब्जी ऐसे हैं जो कि हम लोग फ्रूट्स मतलब फल जो है वो आता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि उस पार्ट ऑफ प्लांट को हम लोग जब खाते हैं, ठीक है, जब एक कोई पेड़ है उसका कोई पार्ट है, ठीक है, उस पार्ट में जैसे कि यहाँ पे रूट्स है या स्टीम है तो उसमें कुछ ना कुछ आता है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ उपजता है, उसको हम लोग तोड़ के खाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पोटैटो बीन्स एंड ओनियंस, इसका मतलब है कि आलू हो गया, बीन्स हो गया और ओनियन मतलब प्याज हो गया, ये सभी क्या है, वेजिटेबल्स है, लेकिन ये सभी कहाँ उपजते हैं, किसी न किसी पार्ट में रहते हैं, प्लांट का ही कोई पार्ट है, अगर ओनियन है तो वो कहाँ, जमीन के नीचे में होता है, तो ये कहाँ चला गया, रूट्स में चला गया, तो वैसे यहाँ लिखा हुआ है कि वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स, हम लोग जो सब्जी है वो हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट से हम लोग लेते हैं, कहाँ से, तो पार्ट ऑफ प्लांट से लेते हैं, ठीक है, लाइक रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, ये सभी चीज़ अलग अलग प्रकार से हमको मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम लोग देखते हैं कि रूट्स में कौन से सब्जी आती है, स्टीम से हम लोग कौन सी चीज़ पाते हैं, लीव से कौन सी चीज़ पाते हैं, फ्लावर से और फ्रूट से, देखते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कि रूट्स से हम लोग कौन से फल या कौन, हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि रूट से हम लोग कौन सा सब्जी आ पाते हैं, स्टीम से कौन सा सब्जी आता है, लीव से हम लोग कौन सी सब्जी खाते हैं, फ्लावर से और फ्रूट से हम लोग कौन सा सब्जी खाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट्स मतलब जड़ होता है, उसमें जैसे कि कैरेट है, टर्निप है और रेडिश है, कैरेट मतलब तो गाजर हो गया, टर्निप मतलब शलजम हो गया जिसको हम लोग लहसुन कहते हैं, और रेडिश, ठीक है, जिसको हम लोग ये मूली कहते हैं, तो ये सभी चीज़ क्या होता है, रूट्स में आता है, ठीक है, इसका मतलब ये जमीन के नीचे होता है। आगे स्टीम है जिसमें कि जिंजर मतलब अदरक, पोटैटो मतलब आलू, ये सभी इसमें हम लोग खाते हैं, कहाँ से मिलता है हम लोगों को, तो स्टीम से मिलता है। स्पेनिश मतलब साग हो गया, कैबेज मतलब बंदा गोभी, ये कहाँ से आता है, तो लीव से मतलब पत्ते से आता है। फ्लावर में जैसे कॉलीफ्लावर और ब्रोकली, ये क्या है, सब्जी का नाम है, तो ये कहाँ से आता है, फ्लावर से आता है। फ्रूट्स में हम लोग जैसे कि टमाटो और ब्रिंजाल, ठीक है, जैसे कि टमाटो मतलब टमाटर हो गया और ब्रिंजाल, ठीक है, ये कहाँ से आता है, तो हम लोग फ्रूट से आता है। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि ये जो चीज़ें वो कहाँ से है, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, ये अलग अलग पार्ट है प्लांट के जहाँ से हम लोग को वेजिटेबल्स मिलता है। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से बता सकते हैं, साथ ही साथ अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद रखेंगे और रिवाइज करेंगे। सो स्टूडेंट्स थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।